बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई दौरे पर हैं। जी हां, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड भवन राज्य अतिथि गृह और एम्पोरियम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड भवन की लागत 39,73,00,000 रुपए है। मुंबई में अब प्रदेशवासियों को ठहरने में कोई परेशानी नहीं होगी। सदन में कैंसर के रोगियों के लिए भी कक्ष आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई में है, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किया है। अब मुंबई में प्रदेशवासियों को ठहरने में राहत मिलेगी, खास परेशानी नहीं होगी। सदन में कैंसर रोगियों के लिए भी एक कक्ष आरक्षित किया गया है। 37,39,00,000 की लागत से बनकर उत्तराखंड भवन मायानगरी मुंबई में बनकर तैयार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड के नजरिए से, क्योंकि बहुत से उत्तराखंड के लोग अपने इलाज के लिए या फिर मुख्तलिफ कामों के लिए मुंबई पहुंचते हैं और यहां पर खास सुविधा ना होने के चलते। पंकज पवार ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, ये बताइए कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई में है, उत्तराखंड भवन का आगाज किया गया है, क्या कुछ नई सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो मुंबई में अगर कहा जाए तो उत्तराखंड भवन नहीं था और हरीश रावत सरकार के दौरान ये जमीन वहां पर वाची में मिली थी और उसके बाद वहां पर निर्माण कार्य इस उत्तराखंड भवन का किया गया और उसके साथ साथ एम्पोरियम जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही रही कि इस उत्तराखंड भवन को बनाने की जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति दिखे, इसके अलावा जो उत्तराखंड के लोग यहाँ से मुंबई जाएं तो उनको इधर उधर फाइव स्टार होटल या फिर किसी लॉज या होटल में जाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए उत्तराखंड भवन उनके लिए मौजूद रहेगा। वहाँ पर वो अगर कहा जाए तो सब्सिडी किराए में जाकर वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है सरकार की और कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ साथ वहाँ पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के कई नेता वहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विधायक वहाँ मौजूद रहे। कुल मिलाकर यही कोशिश रही कि उत्तराखंड की संस्कृति इस उत्तराखंड भवन में दिखाई दे और वो दिखाने की कोशिश सरकार ने की है। पंकज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल इस तरीके के भवन जो है वो अलग अलग राज्यों में मुख्तलिफ राज्यों के बनते हैं ताकि वहां के राज्य के लोग जो है वहां पर जाकर आश्रय ले सकें, थोड़े दिन रह सकें और जरूरत के मुताबिक उनके वो काम आ सके। लेकिन अमूमन ऐसे जो भवन है वो वीआईपी लोगों के अड्डे बन जाते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, क्या कुछ खास इंतजाम है उत्तराखंड वासियों के लिए, अगर वाकई वो पहुंचे वहां पर कैसे वो स्टे कर सकते हैं, क्या खर्चा है, किस तरीके की सुविधा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये वैसे तो ज्यादातर जितने भी चाहे दिल्ली में उत्तराखंड भवन हो या फिर अन्य राज्यों में उत्तराखंड, लखनऊ में उत्तराखंड भवन है, ये आपने सही कहा कि ये वीआईपी लोगों के अड्डे बन जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की जैसा सरकार का कहना है कि अगर कोई वहां जाएगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं कि हमें कि रूम चाहिए, तो फिर वो कैसे उसका लाभ उठा सकेगा। तो ऐसे में सरकार का कहना है जो भी आम जनता वहां जाएगी या फिर बीमार जैसे कई कैंसर पेशेंट वहां जाते हैं, इसके अलावा भी कई जो वहां पर इलाज के लिए जाते हैं मुंबई में, तो वो वहां पर रह सकते हैं सब्सिडी रेट में। और कुल मिलाकर पैसे की जो बात है वो लगभग 1500 रुपए किराया बताया जा रहा है, 1500 से लेकर 2000 के लगभग, तो ये बहुत नॉमिनल है और मुंबई जैसे शहर में इससे ज्यादा सस्ता शायद ही मिले किसी को, बहुत अच्छा वेल क्यूब्ड और एसी कमरे वहां पे मिले। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि आम जनता के साथ साथ जो भी वहां जाए उसको उसका फायदा मिल सके। तो किराया नॉमिनल है, बशर्ते ये सुविधाएं सभी को हासिल भी हो। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पवार इस पूरी जानकारी के।